रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिद्दी, इतने जिद्दी हैं। मतलब एक बार मैंने उनको बस ऐसे बोल दिया कि आपकी चॉइस मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती, और फिर जबरदस्ती ये साड़ी लेके आ गए। Come on, it's pretty. Don't joke about him. It is pretty. No, no doubts about that. तूने अनुज को देखा? नहीं, नहीं देखा। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तूने दीप्ति को बुलाया। भाभी ये चाहती हैं कि दीप्ति को जाने के लिए बोलूं। उनको खुश करने के लिए मैं अपनी फ्रेंड की इंसल्ट नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से मिलाती हूँ, उनके लिए सरप्राइज है। चलो। सॉरी अनुज भाई, एक बहुत बड़ी शिपमेंट होनी थी, उसी में दिमाग खराब हो रखा था। आप बताओ, सब बढ़िया चल रहा है वहाँ पे? यहाँ सबका बढ़िया चल रहा है। वो छोड़ो, बताइए, मैं कुछ मदद कर दूँ? कहीं जाना है? सूरत। हाँ तो मैं चले जाता हूँ। नहीं नहीं, आप चिल करो, शादी अटेंड करो, मजे करो। शादी भी हो गई, मजे भी ले लिए। बताइए कहाँ जाना है? सूरत ना? पक्का? हाँ पक्का, 100%। चलो ठीक है, मैं आपको डिटेल सेंड कर रहा हूँ, आप कंसाइनमेंट ऑफिस से उठा लेना। ओके ओके। कॉफी? अनुज कहाँ है? पंडित जी कन्यादान के लिए बुला रहे हैं। हाँ मैं फोन करके आती हूँ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। हेलो राकेश जी, वो अनुज किधर है, आपको कोई आइडिया है? अभी अनुज भाई तो सूरत के लिए निकल गए। सूरत? अभी वो शादी खत्म हो गई ना। एक्चुअली शायद से कुछ अर्जेंट काम था तो अवॉइड नहीं कर सके। सूरत आए? आप लोग कर लो कन्यादान। हाँ ताई, आपको पता है बचपन से लेके आज तक मैंने आपको ही फॉलो किया है। जिस तरह आप हम सब का ख्याल रखते हो, जिस तरह आपने पूरे घर को संभाल के रखा है, बिल्कुल आप ही की तरह बनना चाहती हूँ। एंड आई होप कि रोहित भी जीजू के जैसे ही बने। तुझे आइडिया भी नहीं है कि तू कितनी स्पेशल है, पता है? बस अब अपने बेटर हाफ को उसका बेस्ट वर्जन बनने देना। And cherish him for being himself. Okay. Baba,
नहीं नहीं, मैं ये जा रही है इसलिए नहीं रो रहा, बल्कि रो रहा हूँ इसलिए कि जो तुम्हारी जिंदगी में अभी इसके आने से भूचाल आने वाला है मतलब मैंने तो भुगत लिया, अभी देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अरे बेटे, अनुज ने कुछ बताया है कि कब आ रहा है वापस? आज हमारे यहाँ है या नहीं है वो? अनिकेत से ही पूछ लीजिए आप लोग। हाँ, मुझे क्यों पता होगा? आज जो तूने किया ना, उसी वजह से अनुज बीच शादी में से निकले हैं। तो बता ना, आगे का क्या प्लान है तेरा? क्या हुआ, क्या है? आई इसको क्या जरूरत थी दीप्ति को बुलाने की? पता है अनुज कितना अपसेट हुआ इस बात से, क्योंकि श्रेया भी वहां पे मौजूद थी। माँ ने बताया श्रेया को दीप्ति का आना इतना बुरा लगा कि वो जान देने के लिए बीच रोड पे चली गई थी। अगर ऋषि नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। श्रेया जान देने चली गई और आपको उसकी बात का यकीन भी हो रहा है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज अश्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, जो कि जिंदगी में एक बार आता है। उसने हमसे एक चीज मांगी और हम वो भी पूरी नहीं कर पाए। तो ये सब तो जीजू को भी सोचना चाहिए था ना, आप मुझ पे बिल क्यों फाड़ रही हैं? अनी, तमीज से हां, एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं उनके खिलाफ। अरे क्या क्या नहीं किया यार उन्होंने हमारे लिए, दोनों फैमिलीज को कितना सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए कितना स्टैंड लेते हैं, तुम दोनों को मिलाने की कोशिश करते रहते हैं। सो द लीस्ट दैट मैन डिजर्व्स इज आवर रिस्पेक्ट एंड नॉट योर रैंट। छपने की हद होती है यार। आई जा रही हूं मैं। What the hell, boy? What the hell? चौल वाली अस्मी, वो मुझसे मेरे रोहित को छीन के ले गई। मतलब मैं क्यों कन्विंस नहीं कर पाया उसे, इतनी बुरी हूँ। अनिकेत, अनिकेत तो प्यार करता था मुझसे, शादी भी की थी उसने, इतनी बुरी हूँ मैं। नहीं बच्चे, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो बेटा, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है। I'm sorry mom, मैं भूल गई थी आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी मुझे वहां पर सॉरी नहीं दिखे, मुझे उनको थैंक्स बोल के आप दोनों को गाना गा के सुनाना है। वो तो अभी यहाँ नहीं है। ओ अच्छा, तुम आओ अंदर, चेक कर लीजिए। अरे अनिल भाई, आप पर भरोसा है, क्या चेक करना? मुझे सर को थैंक यू बोलना था, क्योंकि उन्होंने मुझे कितने अच्छे कपड़े दिलाए, मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना? बाय दीदी। बाय। कोई बताए क्यों गुमसुम है हवा, चल है कोई खोए जज्बात है, बिखरी घटाएं ना मुड़ के घिर आए, बस रह जाएंगी कोहरे सी यादों में। क्यों बेजान राते हैं सपने बेजुबान, कहां खो गई वो बूंदों की पुहार, कर रही है बारिश अधूरी रह गई हमारी ख्वाहिश, कैसी साजिश कर रही है बारिश अधूरी रह गई हमारी ख्वाहिश।
कौरवी, ये तुम्हारा स्ट्रेस ही तुम्हारा दुश्मन है और ये पेन उसी वजह से है। एंड आई कैन नॉट गिव यू अ पेन किलर, तो अब तुम ही सोचो कि तुम ये अपना स्ट्रेस कैसे कम करोगे। एंड नेक्स्ट टाइम अगर अनुज तुम्हारे साथ नहीं है तो मैं खुद उन्हें कॉल करूँगी। नहीं डॉक्टर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन्हें लेके आऊँगी। हेलो, कहाँ हो? ऑफिस। क्यों? नहीं ऐसी, मैं पहुँच गया, मिलते हैं। हेलो, गौरवी जी से बात करवा। सॉरी सर, वो आज नहीं आए हैं। आप कौन? मनित है। सर इज ऑल्सो आउट। आप कौन बात कर रहे हैं? कैसी रही शादी? सब ठीक? और ऑफिस में सब ठीक? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। जानता हूँ। क्या? तुम्हारे अफेयर के बारे में। मनित के साथ? देखा है मैंने तुम दोनों को, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी ना, काफी अलग है नहीं हम दोनों? मैं वैसा हूं जैसा किसी को पसंद ना हो, तो हर जरूरत का ख्याल रख सकता हूं मैं और ख्याल रखूंगा भी आगे जाकर के। हमारे में वो कनेक्शन नहीं है। अच्छे दिखते हो तुम दोनों साथ में। वो इंग्लिश बढ़िया बोलता है, मैं भी बोल लेता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हूँ, कई बातें अधूरी रह जाती है। नहीं तुम दोनों दोस्त बन चुके हो, सब परफेक्ट है, हमारे बीच वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो केमिस्ट्री। शादी के मंत्र पढ़ने से केमिस्ट्री नहीं आ सकती, और हम एक दूसरे के साथ टाइम भी नहीं बिताते ना। मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, मेरा फोकस ही बदल गया है, इसे मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो लॉयर है, तुम भी हो, दोनों का कॉमन बैकग्राउंड है, तो एक कंफर्ट फैक्टर है। और आखिर कब तक तुम मेरे पीछे अपना मन मारती रहोगी? ये चीजें कब शुरू हो जाती पता ही नहीं लगता। और तुमने कहा था ना आजकल तो डिवोर्स कॉमन है, तो अपना भी हो जाएगा। सही कहा ना? हाँ। तो फाइनल खुश रहो। मुझे पता था तुम्हारे अफेयर के बारे में। शर्ट खरीदी थी तुमने,
रिसेप्शन से मुझे बताया कि तुम ऑफिस से ही नहीं थी। तो क्या सोचा अभी आगे क्या? चाहे कितनी दूरियां होंगी दरमियां, सुन रहा फिर भी दिल दिल की ये दास्तां। चाहे मुश्किल से भरी हो प्यार की राहें, वो लम्हे और यादें दिल से ना सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है, इतना भोला सा ये।